हेलो एवरीबॉडी, मैं रिचा सक्रियास, सबको माइकल्स माइथी किचन में स्वागत। आज मैं बनाने जा रहे मूंग दाल पायसम। पायसम मतलब खीर। ये ओणम का टाइम का एक खास प्रिपरेशन है। चलिए देख लेते पायसम कैसे बनता है। दाल खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मूंग दाल, 400 ग्राम गुड़, 3 टेबलस्पून घी, 15 छोटी इलायची, 100 ग्राम चीनी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा सा पीस ड्राई जिंजर, 100 ग्राम चावल, 1 पिंच नमक, 15 काजू और 15-20 किशमिश। ये 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध उबाल के मैंने इसको आधा लीटर ऑलमोस्ट कर लिया। दूध उबालने के टाइम पर आप लोग एक स्पून बड़ा सा कड़ची इसमें डालना और उसके बाद बीच बीच में आके इसको खिलाना और सिम में इसको रखना। लो फ्लेम में रखने से ये उबल कर नीचे नहीं गिरेगा। एक गुड में मैं 1 कप पानी डाल दिया। इसको मेल्ट करने के लिए हम रख दिया। दूध हमारा ऑलरेडी उबल रहे और ये मूंग दाल हमको अभी इसको रोस्ट करना है। ये कढ़ाई गर्म होने के लिए हम वेट कर लेते। कढ़ाई गर्म हो गया। ये मूंग दाल हम अभी इसको भूनने जा रहे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन आने तक इसको भूनना है। उसके बाद इसको वॉश करके कुकर में एक सीटी मारने तक कुक करना है। ये मूंग दाल हमारा रोस्ट हो गया। गैस ऑफ कर लिया। ये डची में डाल दिया। दूध हो गया, दूध भी मैं ऑफ कर दिया और हमारा गुड़ हो रहे। अभी मैं इसको धोने जा रहे। धोने के बाद हम ड्राई रोस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद ये दाल धो रहे। 3 बार मैं धो लिया। ये राइस ऑलरेडी धो के रखा है। ये राइस भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। 500 ml करीब पानी डाल दिया। अभी मैं कुकर बंद करके एक सीटी मारेगा। एक सीटी मारने तक हम इंतजार करते हैं। और मीनवाइल ये चीनी के साथ मैं ये छोटी इलायची का सीड्स निकाल के डाल दिया और इसके साथ मैं ड्राई जिंजर भी डालने जा रहे। इसके बाद इसका एक फाइन पाउडर बनाएगा। जिंजर, ड्राई जिंजर ऑल्सो अच्छा से मैंने कूट लिया। ये मूंग दाल को एक सीटी आने तक हमें ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करेगा। अगर आपको नारियल का टेस्ट अच्छा लगता है तो नारियल छोटा छोटा काट के घी में फ्राई करके वो भी डाल सकता है। और आप लोग चीनी डालने नहीं चाहते तो गुड़ और थोड़ा डाल सकता है। 250 ग्राम मूंग दाल के लिए 500 ग्राम गुड़ लेने पड़ेगा आपको। एक सीटी आ गया। गैस ऑफ किया। 1 टेबलस्पून घी डाला। घी गर्म हो गया। काजू हल्का से ब्राउन होने के बाद किशमिश डालना, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। हल्का से ब्राउन हो गया, किशमिश डाल दिया। किशमिश भी हो गया। गैस ऑफ किया। ये घी हम पायसम के अंदर डालेगा। ये गुड़ का पानी अभी हम छान लेते। ज़्यादा गंद नहीं है, फिर भी थोड़ा से है। ये मूंग दाल कुक हो गया। ये मूंग दाल में अभी गुड़ का पानी में डाल रहे। ये मूंग दाल पायसम
मैं कभी राइस नहीं डालता था, लेकिन एक बार मैं जब केरला गया, मेरा भाभी शेयर ली, मूंग दाल पायसम बनाया, उसमें राइस डाल के बनाया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक दिस विथ लिटिल राइस। वे काफ़ी देर तक इसको हमको मिक्स करना है। वो गुड़ का पानी सब हमको ख़त्म करना है, उतना देर तक हमको मिक्स करना है। ये ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद इतना घी बच गया, वो मैं इसमें डाल रहे। इसका अलावा और एक टेबलस्पून घी डाल रहे और हमको मिक्स करना है। जीरा पाउडर में डाल दिया इसमें, शुगर, इलायची और ड्राई जिंजर पाउडर करके मिक्सी में रखा हुआ, ये भी मैं अभी डाल रहे। मीडियम फ्लेम में रखा है, मीडियम फ्लेम में मिक्स कर रहे हैं। इसका कंसिस्टेंसी और थिक होना है। तो मैं एक पिंच नमक डाल दिया, ये हो गया इसका कंसिस्टेंसी, आप लोग देख सकते हैं थिक कंसिस्टेंसी। अभी इसमें हम दूध डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना। मैंने जो यूज़ किया भैंस का दूध है, और आप लोग गाय का दूध, भैंस का दूध और नारियल का दूध भी यूज़ कर सकता है। केरला में सब लोग नारियल का दूध यूज़ करता है। पूरा दूध नहीं डाल रहे, इसका कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट आ गया। एक और टेबलस्पून घी डाल दिया, गैस ऑफ कर लिया। दूध डालने के बाद ज़्यादा देर उबालने नहीं चाहिए, जस्ट ये उबाल आते ही उसको गैस को ऑफ करना है, नहीं तो ये फट जाने का चांसेस है। गैस ऑफ कर दिया। दो तीन मिनट के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेगा। तीन चार मिनट हो गया, अभी इसमें काजू और किशमिश हम फ्राई करके रखा हुआ थोड़ा समय डाल रहे, बाकी गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और घी आप लोग यूज़ करने के टाइम पर ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, एक दिन एक इंसान 35 ml ऑयल हो, घी हो, कुछ भी यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए कभी भी घी ऑयल यूज़ करने के टाइम पर अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना। अभी इसका कंसिस्टेंसी परफेक्ट, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये फ्रिज में रखे नेक्स्ट डे खाने के लिए मेरे को सबसे अच्छा लगता है। उस टाइम अगर आप फ्रिज में रख के फिर खा रहे तो उस टाइम थोड़ा से वार्म मिल्क इसमें डाल के मिलाने पड़ेगा, नहीं तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। हमारा मूंग दाल खीरी इज़ रेडी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आ जाऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।